1500 की संख्या वाला एक गांव जिसके ग्रामीण खाना खा पी कर रात में सोने की तैयारी कर रहे थे। अचानक उनका गेट खटखटाते हैं कुछ शख्स और कहते हैं कि गांव खाली कर दो, गांव में जलजला आने वाला है। गांव वाले इस खबर को सुनकर चौंक गए और यहां वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। मध्य प्रदेश के एक जिले के एक गांव की घटना है जहां पर जलाशय फूटने के कारण दो गांव पूरे तरीके से डूब गए। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयुध। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश में बारिश के कहर के कारण जलाशय फूटने से किस गांव के ग्रामीण परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर तरफ बारिश ने कहर मचा कर रखा है। पहले यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली और दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बाढ़ जैसे हालात बने। उसके पहले उत्तराखंड और हिमाचल में भी बाढ़ जैसे हालातों का सामना करना पड़ा और अब एक बार फिर यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण दिल्ली NCR के कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति बनी है। ये कहानी केवल दिल्ली NCR या पहाड़ी इलाकों की नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश की भी होने लगी है। ये घटना है मध्य प्रदेश के दमोह जिले की। जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम है पौड़ी। पौड़ी में एक जलाशय बना हुआ है। इस जलाशय के माध्यम से आसपास के किसानों को सिंचाई की व्यवस्था की जाती है नहर के माध्यम से। लेकिन इसी जलाशय के आसपास बकरी चराने वाले कुछ लोगों ने देखा कि इस जलाशय से पानी रिस रहा है, जिसकी सूचना उन्होंने तत्काल ही स्थानीय ग्रामीणों को दी और ग्रामीणों ने इस बात को ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचाया। सुबह से जो पानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में रिस रहा था, रात होते होते वो पानी का रिसाव बढ़ने लगा और देर रात 8 बजे दमोह के कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने पौड़ी और जैत दो गांव को खाली करने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचता है और ग्रामीणों से शहर या फिर किसी सुरक्षित स्थान पर जाने की बात करता है। देर रात 2 बजे के करीब ये जलाशय पूरे तरीके से फूट गया और उसके बाद जैत और पौड़ी गांव में पानी भरने के कारण बड़ी संख्या में नुकसान हुआ है। बता दें कि नुकसान इस कदर है कि ग्रामीणों की फसलें खराब हो गई, भोजन पानी की व्यवस्था खराब हो गई और इसके अलावा ग्रामीणों को कई अन्य परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। अचानक से आई इस प्राकृतिक आपदा के बाद स्थानीय ग्रामीण इस समस्या से उबर नहीं पा रहे हैं। उन्हें अपना घर, अपना परिवार और उनके जो भी फसलें हैं उनकी याद सता रही है। बता दें कि लगातार ही मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसके बाद से कई निचली बस्तियों में जलभराव की स्थिति बन रही है। दमोह का ये जो जलाशय फूटा है, ये जलाशय आज से लगभग 30 साल पहले ग्रामीणों की ही सुविधा के लिए बनाया गया था। इस जलाशय से आसपास के कई गांव सिंचित होते थे। नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाता था और ग्रामीणों को इसका लाभ मिलता था। लेकिन लाभ देने वाला यही जलाशय ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन गया। अब देखना यह है कि कब इन ग्रामीणों के चेहरे पर वापस से मुस्कान आएगी, कब वे अपने गांव में लौट पाएंगे। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है और इस प्रकार से मौसम से जुड़ी हुई पूरी खबरें हम आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। आयुध को आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।